नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के साथ साथ आम जनता को रिझाने के लिए कई वायदे कर रही है। वहीं जनता का नेताओं के इन वादों पर क्या रिएक्शन है और यही जानने के लिए हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ के सड़कों पर कुछ लोगों से मिले और उनसे उनका भाव जानने की कोशिश की कि आखिर वो अपने नेता से क्या चाहते हैं। अब मुद्दे तो बहुत है, कहाँ कहाँ छेड़ दे मुद्दे। धरती पे सरकार आई थी ना, दोबारा आएगी, ये सरकार रिपीट होगी। सरकार कोई भी आए मगर हम लोग भी ध्यान दे तो कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई भी हो, हमको सरकार से कोई नफरत नहीं है। मैं वोट मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं यही बैठा रहूंगा, वोट में देता ही नहीं किसी को। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, अगले साल चुनाव है, ऐसे में हर राजनीतिक दल सियासी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। साम दाम दंड भेद अपनाकर जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर जनता क्या चाहती है। नेताओं ने तो अपनी बिसात बिछा दी है पर जनता किसके पाले में जा रही है, यही जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम जनता के बीच पहुंची और हर वर्ग के लोगों से उनकी राय जानी। 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की जो जनता है वो क्या चाहती है, उनका जो वोट बैंक है वो किस मुद्दे पर होगा, क्या अहम मुद्दे होंगे, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आज हम राजधानी लखनऊ में निकले हुए हैं। हम राजधानी लखनऊ के अलग अलग जगहों में जाएंगे और जनता का मूड जानेंगे। लोगों के बीच पहुंचे हमारे सहयोगी अश्विनी ने लोगों से आगामी चुनाव में बेबाक राय पूछी, वहीं जनता ने भी एक एक करके अपना रुख साफ कर दिया। सर क्या नाम है आपका? बबलू नाम है मेरा। सर 2022 का लोक विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में जनता का क्या मूड है, 2022 में किन अहम मुद्दों को लेकर के जनता वोट करेगी? भैया महंगाई पे होगी वोट, चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कड़वा तेल 200 रुपए में पहुँच गया है वही आप जानते हैं कि महंगाई कितनी है। हमको सरकार से कोई नफरत नहीं है, ना कोई वो है तब शिकुआ है, बस सिर्फ सस्ता करे, बस हम लोग जीवन करें। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इससे महंगाई से लोगों को दिक्कत है, बेरोजगारी से दिक्कत, बस यही दिक्कत है और कुछ। हाँ बस महंगाई है, देख रहे हो आप कितनी बेरोजगारी है। अच्छा हम लोग 200-400 कमाते हैं अगर, तो उसमें तो शाम तक बचता ही नहीं कुछ है, शाम तक कुछ बचता ही नहीं है, कुछ सब खत्म ही हो जाता है वो सब पूरा, और क्या बाकी किसी को शिकवा नहीं है इतना कोई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या नहीं? नहीं देंगे, नहीं देंगे, जब महंगाई इतनी तो कैसे दे देंगे ये बताइए आप। मतलब किसी ने किसी ने सरकार का 5 साल में हर चीज महंगी हुई है, इन्होंने कहा था कि सस्ता करेंगे तो हम लोगों ने वोट दिया था, अब बताइए कैसे दोबारा दे देंगे वोट, जब इतनी महंगाई है, सिलेंडर 1000 रुपए में पहुंचने वाला है, पेट्रोल हम लोग डलाते हैं 100 रुपए का, पेट्रोल टंकी वाले 10-20 रुपए का उसमें चुरा लेते हैं, बचेगा वो आपका 80 रुपए का, 10 किलोमीटर गाड़ी 20 किलोमीटर चली गाड़ी खड़ी हो गई, तो ये है सिस्टम। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। 2022 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, ऐसे में जो जनता है आप लोग को क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? भाई महंगाई, महंगाई जी, मुद्दा जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती। जी बिल्कुल, ये लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई अहम मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी चलते ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते, किसी न किसी नई सरकार को चाहते हैं। अभी हम और भी लोगों से बात करें। सब क्या नाम है आपका? भैया शिवम। 2022 विधानसभा चुनाव में किन अहम मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे, या जो मौजूदा सरकार चल रही है क्या अब इससे कितना ज्यादा संतुष्ट? भैया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, सिर्फ महंगाई एक मुद्दा है जो कि ये सरकार को पलट भी सकती है, ठीक है। और जैसे कि अभी आप यही देख लीजिए, पेट्रोल वगैरह कितना ज्यादा महंगा होता चला जा रहा है, ठीक है, और ये अपना कड़वा तेल वगैरह भी ये भी महंगा हो रहा है, तो तेल का सबसे ज्यादा जो है परेशानी हो रही है कि चाहे गाड़ी चलाना हो। अब हम लोग हैं जॉब करते हैं, दिन भर में कम से कम जितना कमाएं। बाकी सरकारें इससे पहले थी क्या वो उनके समय पर महंगाई नहीं थी? भाई काहे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो सुना जाता था जनता का, जैसे अभी मान लीजिए पेट्रोल आपका जो है पहले 70 रुपए के हिसाब था, अभी आपका 100 के करीब में पहुंच रहा है, ठीक है। जॉब वगैरह भी सुनी जाती थी, मिलता होता था सब कुछ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ टीमें हैं जो कि डिप्लोमा वगैरह लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 7,000-8,000 की प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। 2022 में किसको?
जो मतलब ये सरकार तो छोड़ देंगे भाई, आगे कोई भी हम जो भी जहाँ पे हमारा सब टीम मेंबर जो भी कहेगा वहाँ पे सलाह के हिसाब से होगा। 2022 में किन अहम मुद्दों को लेकर आप? बेरोजगारी और महंगाई। क्या सोच रखा है जो मौजूदा सरकार चल रही है, इससे क्या कोई नई सरकार चाहते हैं? जी अगर ये सरकार में कोई अपना मुद्दा सही करे, सब बेरोजगार लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय ऐसा कुछ लग नहीं रहा। भर्ती आती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, महंगाई डेली बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सारी दिक्कतें हैं। इससे पहले जो सरकारी थी क्या उनमें महंगाई नहीं थी, रोजगार अवेलेबल थे युवाओं के लिए? नहीं, रोजगार तो अवेलेबल थे, लेकिन इस सरकार में कम हो गए हैं, पहले इससे ज़्यादा थे, पहले इस परसेंटेज ज़्यादा थे। अब इस समय वैकेंसियाँ खाली हैं लेकिन भर्ती हो नहीं रही है, आ रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं, बार बार यही दिक्कत आ रही है। जी भाई, अभी हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है। दादा क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम क्या करते हैं आप? चाय की दुकान मेरी लगती है। चाय की दुकान है आपकी। 2022 का लोक विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, किन अहम मुद्दों पर? भाई हम अब क्या बताएं, हमें कहने का कोई वही नहीं है। अब भाई जिस अब हम लोगों का अगर सुविधा मिल जाए तो हमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं। क्या सुविधाएं चाहते हैं आप? सुविधाएं क्या, आए दिन तोड़ फोड़ मचाना, भागना लेके भागना, दुकान जो इसे ही हम लोग सब तो बर्बाद हो चुके हैं। मतलब जो मौजूदा सरकार चल रही है इससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बस थोड़ा हम लोगों का भी इंतजाम अगर कर दिया जाए, हम लोग भी अगर महंगाई तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उसकी तो बात ही छोड़ दी है। नहीं सरकार क्या, सरकार कोई भी आए मगर हम लोग भी ध्यान दे तो कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई भी हो। अभी हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चाहते हैं वो, और अभी कुछ महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अजरा। अजरा नाम है। 2022 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में किस तरीके से देखती है, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? वही विकास की रोड देखेंगे, और क्या देखेंगे? यस। जो मौजूदा देश का तो हम लोग का भी विकास होगा ना। जो मौजूदा सरकार चल रही है क्या लगता है ये विकास कर रही है और सही सरकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आप लोग मौका देंगे? डिपेंड करता है वोटिंग के टाइम। हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मूड में क्या चल रहा है। भाई सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराज अहमद है। 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में किन अहम मुद्दों को लेकर के आप अपना कीमती वोट देंगे? हम लोग जो है विकास के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि इस 5 वर्ष में योगी जी के सरकार में लोगों को बेरोजगारी से बहुत अच्छा सामना करना पड़ा। हाँ, और रोजगार के नाम पे 0 है, जैसे कि मोदी जी ने भी बताया था कि मैं लोगों को 15 लाख रुपए दूंगा, और उसके विकास के नाम पे 0 है और महंगाई चरम पे। तो मतलब महंगाई है, तो इस बार 2022 में क्या कोई नई सरकार चाहते हैं? नई सरकार बिल्कुल चाहते हैं हम लोग, अगले सालों को चाहते हैं। जी क्या अखिलेश की सरकार में महंगाई नहीं थी, रोजगार अवेलेबल थे क्या? नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में महंगाई तो नहीं थी, रोजगार भी था, लोगों को सुविधा भी हुई, शिक्षा पे जो फोकस किया गया, और अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया है। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ है। हाँ। तो गवर्नमेंट चल रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या 2022 में बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। क्या करते हो आप? हम गाड़ी चलाते हैं, टेम्पो। किस चीज को लेकर बदलाव चाहते हैं, क्या कमियां हैं इस सरकार? सवारी कम निकल रही है। हाँ। अच्छा, क्या टेम्पो चलाने से आपके परिवार का पालन पोषण हो जाता है? कम होता है, कम होता है, पहले ज्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है। और लोगों से बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, चाय की दुकान है, हम उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे नाम बताओ ना, क्या है? राम सिमरन। क्या करते हो आप? बस यही बैठे रहते हैं। चाय की दुकान है। कितने कमा लेते हैं दादा चाय की दुकान? चाय दुकान में बहुत अब कमा लेती है सरकार में। अच्छा, कोई कमाई था नहीं भैया? अच्छा। हाँ, तब 35 लीटर दूध बेचते थे, अब 5 लीटर दूध बेचता हूँ। अब कोई था नहीं, कितना मैं कमाता हूँ इसमें। अच्छा। हाँ, तब 35। तो मतलब अच्छा, जो 22 का चुनाव आने वाला है इसमें किसको वोट देंगे? मैं वोट मैं अब किसी को नहीं दूंगा, मैं यही बैठा रहूंगा, वोट में देता ही नहीं हूँ किसी को। वोट देने में किसको बताऊँ, किसको मैं जिताऊंगा? हैं, इतना हम लोग तबाह हैं कि परिवार अपना नहीं चला पा रहे हैं, तो किसको बताएं, किसको जिताएंगे? सर मतदान तो आपका अधिकार है, आप जिसको चाहेंगे उसके सर पर ताज पहना। अब आप किसको पूछते हैं, किसको देंगे, ये आप क्यों पूछते हैं? मत है तो जहाँ मेरा मत जाएगा वहाँ मैं वोट दे दूंगा। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी के अनुसार। जी हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। विजय यादव। क्या करते हैं आप? ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर। कितने
कितना कमा लेते हैं भाई साहब? बस 600-700 रुपए। 600-700 में परिवार का गुजारा चल जाता है? नहीं, इस समय नहीं चल रहा है। इस समय जब से ये कोरोना आया है, लॉकडाउन रात का लग गया है, जब से आदेश हो गया है, तब से काम फिर बैठ गया है। जो काम उठने के कगार पे था वो फिर बैठ गया है। अच्छा ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में किस पार्टी को वोट देंगे आप? इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है इससे किस किस तरीके की समस्याएं हैं? क्या इनका जो सबसे पहले कोरोना का लॉकडाउन लगाने का तरीका गलत था, दोबारा में इन्होंने कोरोना का लॉकडाउन जो लगाया बहुत सही तरीके लगाया, सबका जीवन यापन चालू रहा और उससे त्रस्त होके इस समय फिर वही माहौल हो गया है। हफ्ते में 2 दिन दुकान बंद कर दिया, मार्केट बंद कर दी, उसके वजह से गाड़ी का काम कम हो गया, इसी वजह से जनता त्रस्त है। बदलाव चाहते अब सरकार ने फिर वही आदेश पुराने उस पर आ गए कि साप्ताहिक बंदी जो मार्केट की है वही रहेगी, उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया एक दिन का जो था। कर्फ्यू लगा है लेकिन जो है रात कर्फ्यू लगा है लेकिन साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी। हाँ, साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी, ये तो हम कह रहे हैं। 2022 में बदलाव। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनय। भाई साहब, जो मौजूदा सरकार चल रही है इससे आप कितना ज्यादा संतुष्ट? संतुष्टि के लिए तो आपको मालूम ही है महंगाई कहाँ पे जा रही है, पेट्रोल क्या चल रहा है, आज का सिलेंडर क्या है, कड़वा तेल क्या भाव चल रहा है। अच्छा भाई साहब, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप लोग का जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण वोट है, जिसको देंगे उसकी सरकार बदल सकती है, तो 2022 में किस सरकार को चाहते हैं? जो पार्टी भाजपा जो हाँ जो पार्टी भाजपा को हराएगी उसी को वोट देंगे। मतलब 2022 में बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? आशीष सिंह। 2022 के विधानसभा चुनाव में किन अहम मुद्दों पर आप? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों के बच्चों की शिक्षाएं वो आप लोगों ने बंद करवा दी सरकार ने, उसका कोई अल्टरनेटिव दिया नहीं। छोटे बच्चे हैं, मान लिए मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हमारा बच्चा पढ़ लेगा, लाखों ऐसे हैं जिनके पास कीपैड वाला मोबाइल, वो कैसे पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये कि गैस का सिलेंडर 1900 रुपए कुछ रुपया हो गया। क्या करते हैं आप? तो मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, 2022 में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या यही सरकार चाहते? इसी सरकार चाहते हैं जो सच में सबका साथ और सबका विकास करे, ऐसी सरकार नहीं जो केवल लिखा। सरकार का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो कहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर चलते सभी। आ रहा हूँ ना कि उन्होंने किसका विकास किया, उन्होंने अडानी और अंबानी के अलावा किसी विकास नहीं किया। एक बात हमको बताइए कि जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था पूरी दुनिया का कारोबार बंद था, लेकिन अंबानी जी की संपत्ति 5 गुना कैसे बढ़ जाती है? मतलब 22 में बदलाव चाहते हैं? 22 में भी बदलाव चाहते हैं, 24 में भी चाहते हैं। 22 और केंद्र और राज्य दोनों में चाहते हैं बदलाव। और भी लोगों से हम बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या करते हो आप? लेबर गिरी। लेबर हैं जी। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में किस पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी पार्टी। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार से क्या समस्या है? हमको सबसे अच्छी सरकार समाजवादी पार्टी लगी है, अपना विकास सबका विकास। भाजपा की सरकार में गरीब आदमी इतना परेशान है, इतना मुसीबत उठा रहा है गरीब आदमी का। भाजपा की सरकार गरीब आदमी की सहायता नहीं करना चाहती। अच्छा, जो भाजपा सरकार है वो गरीबों की सहायता नहीं करती है। हम और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है? सर आशीष यादव। आशीष यादव जी, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या चाहते हैं आप? 22 में परिवर्तन चाहते हैं या मौजूदा सरकार चाहते? नहीं, मैं तो इस बार सोचा हूँ परिवर्तन चाहता हूँ। लास्ट टाइम हमने बीजेपी को वोट दिया, मुझे लगा कि कुछ होगा, लेकिन रोजगार अभी तक 4 साल तक तो नहीं दिखा है। विकास की बात करेंगे तो विकास अभी तक कुछ खास नहीं दिखा है, तो इस बार हम नया फिर से अखिलेश यादव को शायद मौका दें। क्या अखिलेश जी की सरकार में रोजगार अवेलेबल थे, महंगाई नहीं थी? रोजगार तो डेफिनेटली थे, आप भी जानते हैं, रोजगार उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया। हाँ, मोदी इनकी गवर्नमेंट में एक अच्छा ही है कि कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, ये बीजेपी काफ़ी अच्छा देखती है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम की देख रहे हैं, आप कोरोना पीरियड में शायद ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गए, तो हम हमेशा चाहते हैं बदलाव, कुछ नया, विकास और रोजगार तो कंपलसरी युवाओं के लिए। अगर रोजगार नहीं होगा, कई मेरे भाई की कई जॉब लोगों की गई हुई है, तो लोग परिवर्तन चाहते हैं इस बार। हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है? भाई रामनारायण। रामनारायण जी क्या करते हो?
हम तो भाई बता सकते ठेला लगाते हैं, कितना कमा लेते हैं कमाई कहाँ है, आए दिन तो नगर निगम लेके भागो बचाओ हटाओ बचाओ करना पड़ता है। अच्छा, विधानसभा चुनाव आने वाला है, राज्य सरकार का चुनाव आने वाला है, ऐसे में किस पार्टी को वोट देंगे? अब देखा जाएगा, जिस पार्टी को देना होगा वो दे देंगे, एक ही वोट है। तो क्या कुछ सोचा है कि इस सरकार को वोट देंगे या कोई नई सरकार चाहते हैं? हम तो भैया सोच रखे हैं कि अखिलेश को अपना जिताना है, बस परिवर्तन चाहते हैं। इस वक्त आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से किस कदर परेशान आ गई है, ये तो जनता ने साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मिले जो मौजूदा सरकार के कामों से काफी खुश नजर आए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? करण चौहान। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ जी। ड्राइवर हैं जी? हम तो भाजपा ही वोट देंगे। हाँ, अच्छा, भाजपा को आप वोट देंगे? महंगाई चरम पर है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है, तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत मैं तो ड्राइवर, मुझे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी बड़े बड़े लोगों को होगी। अच्छा। उनको डीजल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है, डलवाए नहीं, मुझे 10,000 सैलरी मिलती है, बच्चे 3 पाल रहे अपने, कमा खा रहे हैं। 10,000 सैलरी में गुजारा हो जाता है आपका? क्या करें, गुजारा कर ही रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। मुझे सैलरी तो 20,000 होना चाहिए ड्राइवर की, तो अमूमन 3 बच्चे हैं मेरे, तो 20,000 तो सैलरी होना चाहिए। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि रोजगार की क्या है, कैसा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं? नहीं हो पा रही है। ठीक है, 2022 में बीजेपी सरकार चाहती है। जी। भाई साहब, जो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आप अपना वोट देंगे? अब मुद्दे तो बहुत है, कहाँ कहाँ छेड़ दे मुद्दे हैं। नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या चाहते हैं, जो गवर्नमेंट चल रही है इससे आप संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? ना संतुष्ट ना बदलाव चाहते हैं, बात खत्म हो गई भैया। मतलब संतुष्ट भी नहीं है, बदलाव भी नहीं चाहते, गवर्नमेंट यही चाहिए चाहे जैसे भी चला रहे। क्या नाम है भाई साहब? भैया मिराज अहमद नाम है। मिराज अहमद जी, बताइए 2022 में किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे या जो मौजूदा सरकार है इससे कितना संतुष्ट है? नहीं, बहुत बढ़िया सरकार है भैया, इसका दोबारा आ जाना चाहिए, तिबारा आना चाहिए सरकार, तिबारा आना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार से संतुष्ट हैं और 22 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। क्या करते हैं आप? नगर पालिका में सर्विस करते हैं। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या सोच कर वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं की है, लेकिन आने वाले समय प्लानिंग तो की जाएगी। अच्छा, क्या सोचा है, जो मौजूदा सरकार चल रही है, क्या महंगाई ज्यादा है या बेरोजगारी, किन चीजों को इनसे महंगाई, हम लोग छोटे आदमी परेशान है महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई की वजह से आप परेशान हैं। तो 2022 में यही सरकार चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं? अब वो तो एक महीने के अंदर सब चेंज हो जाएगा जो होना होगा। नहीं, क्या इस सरकार से संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट? महंगाई है बस, सब परेशानी तो हुई है, मतलब महंगाई की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। सर, जो मौजूदा सरकार चल रही है, क्या आप इससे संतुष्ट? बढ़िया, ना धरती पे सरकार आई थी ना दोबारा आएगी। अच्छा। ये सरकार रिपीट होगी, या जो यादव जी लोग सोच रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक ही कौम है, यादव कौम, जो सरकार का विरोध कर रहा है। मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, ईसाई भी दे रहे हैं, हम और आप तो दे ही रहे हैं। एक यादव भाई जो हमारे हैं, जो मुलायम सिंह के सम्मान हमारा भी है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इनका भला किया, ये ऑटो ही चलाएंगे जीवन भर, और वो लोग उनके परिवार के लोग ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे, भैया जीवन भर भैंस चलाएंगे ऑटो चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से आप संतुष्ट हैं? क्या पार्टी के किसी के गुलाम नहीं है, आप अच्छा करिए आप वोट देंगे। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई जो है चरम पर है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर नहीं है, चाइना से लड़ाई लड़ना है तो पेट्रोल का 100 रुपए देने में क्या इतराज, यहाँ घुस के अफगानिस्तान वाले चले आएंगे तो लुंगी लपेट के आप पजामा, उससे बढ़िया आना था 100 रुपया पेट्रोल देख के सुरक्षित तो है, तब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, नहीं तो वही कहीं लुकाए होते तालिबान के तरह। मतलब सर का मानना है कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश सुरक्षित है, सुरक्षा के मुद्दे पर आलू प्याज टमाटर सब मिल रहा है, क्या चाहिए? सरकार राशन फ्री दे रहा है, गैस का जो रुते नहीं है, यहाँ देखिए लिट्टी कंडाम बन रहा है, भैया गेहूठा पाली बना ही रहे होंगे। जो है ड्राइवर साहब हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया जी टेम्पो चलाते तो भैया जी से पूछते आप, 150 रुपए कोटा मिल रहा है दिन भरे से, समझ रहे हैं, दिन भर चलाओ 150-200 रुपए ले जाओ, उसमें कुछ तुम खा लो, गली में कहूँ मसाला खा लो तो कमी तो हो जाएंगे, हैं? और कहूँ भैया इतना 80,000 रुपए पा रहे होते, सरकार यही थी, हमको भी अच्छी लगती है यही सरकार।
लोगों की राय सुनकर इतना तो साफ हो गया है कि इस बार की चुनावी टगर किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली है। कोई वर्तमान सरकार के विकास कार्यों से खुश नजर आ रहा है तो कोई सरकार से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खफा नजर आ रहा है। ऐसे में किस पार्टी की 2022 में ताजपोशी होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए अश्विनी की खास रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।